हमारे मुस्लिम बुजुर्ग जो कुरान की नाजरा तालीम भी नहीं जानते थे और इस बात का इन्हें एहसास है, अब उन्हें कुरान नमाज किस तरह सिखाएं? सिखा दें यार, कौन सा मुश्किल काम है? कुरान अब आपको जाहिर है वो उस तरीके से तो पूरा कुरान तो नहीं पढ़ सकते, कुरान का तर्जमा उनको सुनवाएं अपनी जुबान के अंदर, प्लस कुरान का उतना हिस्सा जुबानी याद करना जरूरी है जो आपने नमाज में पढ़ना है, बस सूरह फातिहा और सूरह इखलास याद करवा दें यार, ये कौन सा मुश्किल काम है? कर सकते हैं वो याद। और अगर कोई इतना बूढ़ा हो चुका है कि इससे भी लेवल क्रॉस कर गया तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, वो जो न्यू मुस्लिम आए थे उन्होंने कहा यारसूल्लाह हमें अभी नमाज नहीं आती, तो आपने उनको नमाज में पढ़ने के लिए सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तालीम किया, सिर्फ सुबहानअल्लाह ही पढ़ते रहे, सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ते रहे। लेकिन अगर वही बाबा अपनी सारी जदाद का हिसाब रख के बैठा हो जुबानी और उसे यह पता हो कि जी केड़े सानी च केड़े सियासी लीडर ने केड़ा बयान दिता सी, ते उनकी आडियो आई है, किसी वीडियो आई है, और वो आडियो ने सुन भी लिया और वीडियो वेख लिया वन, तो बहुत खतरनाक बाबा है, उन्होंने कोई नहीं है।